फ्रांस में मौसमियाती सरबराही इजलास, आलमी शिपिंग टैक्स माहदे के बगैर ख़त्म हो गया। मौसमियाती तब्दीलियों और गुरबत से निपटने के लिए आलमी रहनुमा कोई बड़ा ऐलान ना कर सके। बैन अलाक्वामी शिपिंग से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के अखराज पर टैक्स पर इतफाक ना हो सका। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने सरबराही इजलास के फाइनल पैनल से खिताब में कहा कि 40 रहनुमा एक नए आलमी मालियाती एजेंडे को तहरीक देने के लिए जमा हुए थे। आलमी शिपिंग टैक्स से एक साल में 100 बिलियन डॉलर का इजाफा हो सकता है। मुमकिना तौर पर बैन अलाक्वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जुलाई में होने वाले इजलास में टैक्स लगा सकते हैं। चीन और अमेरिका शिपिंग टैक्स की हिमायत नहीं कर रहे। फ्रांस में मौसमियाती सरबराही इजलास, आलमी शिपिंग टैक्स माहदे के बगैर ख़त्म हो गया। मौसमियाती तब्दीलियों और गुरबत से निपटने के लिए आलमी रहनुमा कोई बड़ा ऐलान ना कर सके। बैन अलाक्वामी शिपिंग से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के अखराज पर टैक्स पर इतफाक ना हो सका। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने सरबराही इजलास के फाइनल पैनल से खिताब में कहा कि 40 रहनुमा एक नए आलमी मालियाती एजेंडे को तहरीक देने के लिए जमा हुए थे। आलमी शिपिंग टैक्स से एक साल में 100 बिलियन डॉलर का इजाफा हो सकता है। मुमकिना तौर पर बैन अलाक्वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जुलाई में होने वाले इजलास में टैक्स लगा सकते हैं। चीन और अमेरिका शिपिंग टैक्स की हिमायत नहीं कर रहे।